तो फ्रेंड्स आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube वीडियो पे स्वागत है। फ्रेंड्स एक बताना चाहता हूँ, बहुत जन बोल रहे हैं कि आप 7 डेज कर रहे हो कंटिन्यू, तो एक गैप क्यों ले रहे हो। तो थोड़ा सा होता है क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइम, मतलब कॉलेज एडमिशन करने के लिए जाना था, ऐसा वैसा रिजल्ट लेने के लिए जाना था, वो बहुत कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, तो थोड़ा गैप हो रहा है। पर एक वीक का 7 वीडियोस में डाल के रहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बंदे ने मुझे बोला था अभी पर्सनल आके कि मुझे एक ब्लॉगिंग चैनल ओपन करना है, तो मैंने बोया का माइक लिया है। आपने जो रिवील किया था या अनबॉक्सिंग की थी बोया के माइक की, जो आपने नहीं दिखा होगा तो आई बटन में दिख रहा होगा ठीक है। तो वो मैंने बोया माइक तो ले लिया, पर मैंने गलती से एक ट्राइपॉड ले लिया, जो जैसे मेरे टेक्निकल जैसे वीडियोस होते हैं उसके लिए, मतलब अभी रिटर्न भी नहीं कर सकते, क्या कैसा है मुझे बताइए, ठीक है। मतलब और कौन सा ट्राइपॉड होगा तो मुझे बताइए। तो मैंने आज ब्लॉगिंग का ट्राइपॉड लिया है, मतलब ऑनलाइन मंगाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसका अनबॉक्सिंग है आज। तो आज का प्रोडक्ट है डीवी का ट्राइपॉड, डिजीटेक का ट्राइपॉड है, DTR 260 GT का है। तो इसका आज अनबॉक्सिंग होने वाला है। इसके बहुत कुछ फीचर्स है, फंक्शंस है, और बहुत कुछ इसमें फ्री मिला है, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे अनबॉक्सिंग पे। तो उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे हिट कर दीजिए, मतलब मेरे वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए। तो फ्रेंड्स ये है बॉक्स, आप देख ऐसा बॉक्स है। तो इसका फ्रंट पेज जो है, जो बॉक्स का, तो देखिए यहाँ पे डिजिटेक जो कंपनी है उसका लिखा है लाइट वेट DV ट्राईपॉड। इसका मॉडल नंबर है DTR 260 GT, ठीक है, ये मॉडल नंबर है। और देखिए यहाँ पे इस ट्राइपॉड के साथ ये दो फ्री है, ठीक है। वैसे हम ये सिंगल लेने जाए तो ये इसका दोनों का भी बजट 500 तक जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। रिमोट का भी 250 या 200 तक जाएगा, इसका भी 250 या 200 तक जाएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन होल्डर एंड ब्लूटूथ रिमोट इंक्लूडेड इन द पैक, ठीक है। और ये जो है ये ट्राइपॉड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पोर्टेबल स्टेबल एंड कम्पैक्ट, ठीक है। तो ये लिखा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ये मैं बता दूंगा। उसके बाद यही जो पीछे में था यही आगे में है, और ये कुछ है वो बता दूंगा। उसके पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एक बात बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले ओपन किया है, तो थोड़ा सा ये जो है ये खुले में नहीं है, इसका भी प्लास्टिक है तो थोड़ा सा वो घूम गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्राइपॉड। सबसे पहले ट्राइपॉड को रख देते हैं बाजू में, उसके पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें आता है एक माउंट, मोबाइल माउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा दिखाया गया है मोबाइल माउंट। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, मोबाइल होल्डर बोल सकते हैं आप। तो ये होल्डर है और ये है अपना रिमोट, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद यहाँ पे लाइट लगता है और फिर से हमें मोबाइल में ज्वाइन करना पड़ता है। ये जो इसका रेंज है वो बाद में बता दूंगा वैसे, तो इसको हम रखते हैं अभी बाजू में। अभी आते हैं हम इस पर, इसकी इन्फॉर्मेशन बोले तो कुछ नहीं, ये है हेड विथ एडजस्टेबल पैन बोल सकते हैं आप। उसके बाद ये स्टेडी प्लास्टिक लेग्स है, ये बहुत ही अच्छे है, बहुत ही रबर। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक हो, यहाँ पे रबर है, ठीक है, ये पूरा प्लास्टिक से बना है और थोड़े यहाँ पे ग्रिप देने के लिए रबर है। देखिए हमारे जो हाथ में है ना ब्लॉगिंग करते समय अच्छी ग्रिप मिलती है इससे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल होल्डर है ये, हाँ मैंने तो बता ही दिया है। उसके बाद देखिए इसका जो ये जो ट्राइपॉड है ये 1 kg तक वेट उछाल सकता है, ठीक है, मतलब ले सकता है। मतलब जैसे इसमें हमने क्या मोबाइल भी हैंग कर सकते, DSLR भी हैंग कर सकते, या GoPro भी हैंग कर सकते, ठीक है, उससे हम वीडियोस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है मैक्सिमम हाइट है इसकी 240 mm, उसके बाद फोल्डिंग हाइट है 260 mm, और इसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है। देखिए तो इसका वेट होगा 0.159 kg, मतलब 150
सॉरी 0.150 केजी, ठीक है। उसके बाद इसके जो लेग में है तो ये लेग में कितने सेक्शन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शन है, ठीक है। इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये लेग है, ठीक है, ये सेक्शन है, ठीक है, इसको सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका मटेरियल है वो प्लास्टिक है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये प्लास्टिक है और इसमें ग्रिप देने के लिए रबर लगाया गया है। मुझे लगता है ये ABS प्लास्टिक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा बिल्ड, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसका आपको यूज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, फिर इसका यूज़ मैं बता दूंगा, मतलब कैसी कैसे ब्लॉगिंग को अपना रैंकिंग में लाना ब्लॉग को अपने, ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा ब्लॉग को। इसके बाद देखिए इसके 3 लेग्स हैं, मतलब फुल लेग्स। उसके बाद आप ऐसे जो ट्राइपॉड होते हैं हमारे, उस वैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कैसे भी फैला सकते हैं, कितना भी नीचे लेके जा सकते हैं। देखिए इसको अच्छी तरीके से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अच्छी तरीके से करना पड़ता है। ये लेग से देखिए यहाँ से बेंड हो चुका है, यहाँ से, तो देखिए इसका यूज बहुत ही अच्छा है। इसका एडवांटेज बोले तो ये ग्रिप बहुत ही अच्छा देता है, ठीक है। इसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत ही अच्छी है, ब्लॉगिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको ऐसे माउंट कीजिए, मैक्सिमम लोग ऐसे माउंट करते क्योंकि उनको आड़े में, मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तो ऐसे माउंट कीजिए। माउंट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, एक बात और बताता हूँ, सबसे पहले मैं इसको माउंट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल लगाना है। अभी मोबाइल मेरे पास नहीं है, दूर है तो इसलिए नहीं बता सकता। तो इसको इस पर मोबाइल लगाना और वीडियो स्टार्ट कर देना इसे, देखिए। तो फ्रेंड्स, आपका फिजिक बार मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लेग्स 3 होते हैं, ये कहाँ से भी बेंड होता है, ये देखिए, यहाँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा बेंड हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, इसको भी कर लेता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसको यहाँ से करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, ये देखिए, देखिए ऐसा होता है ये बेंड पूरी तरह से। तो और एक बात बताना चाहता था, देखिए इसको पहले अच्छे तरीके से सीधा कर लेता हूँ, और एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ इसका सबसे पहले। तो देखिए डिसएडवांटेज ये है कि इसको सीधा करने में बहुत ही टाइम लगता है, देखिए इसको पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा इसे, फिर बहुत कुछ है, तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे लगा, ठीक है इसका, पर ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और एक डिसएडवांटेज, जो हमारे जो छोटे पाइप्स होते हैं, जैसे अभी पाइप्स तो मेरे पास नहीं है, पर छोटे पाइप्स होते हैं तो उसको हम ये नहीं लगा सकते, ठीक है, पूरा बैंड बेंड नहीं होता ये, ठीक है, बैंड बोले नहीं, बैंड नहीं, बैंड, ठीक है। तो ये कैसा, ये बड़ा पाइप, ठीक है, ये पाइप समझो, इसको हम कैसे इसमें डाला और इसको यहाँ से पैक कर दिया, देखें अच्छी तरीके से पैक कर दिया, ठीक है। तो ये पैक कर सकते हैं, पर यही जो छोटा पाइप होता, तो देखिए यहाँ से कैसा पाइप पैक करना, ये देखिए छोटे पाइप को बहुत ही, देखिए इतना ही गोल होता है, ये देखिए इतना ही गोल होता है, इतने गोल में छोटे पाइप नहीं जाएंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए। तो ये बहुत कठिन है, ठीक है, आप बोल सकते हैं हार्ड है ये सीधा करना, ऐसा वैसा काम नहीं है, बहुत ही हार्ड है। अभी इसको हम ट्राइपॉड करके भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, फिल्म जो होते हैं, जैसे मूवीज़ होते हैं, वो ऐसे ही ट्राइपॉड से निकालते हैं, तो मूवीज़ होते हैं तो वो जो है यहाँ से इससे ही निकालते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे 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 आगे 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 आगे, मतलब ये जो होता है ना, इससे क्या होता है, मेन बोले तो हमारा जो हाथ है शेक नहीं होता, ठीक है। हमारे जब वीडियो निकालते हैं हम तो ऐसे ऊपर में लेके वीडियो निकालते हैं नीचे का, ठीक है, तो वो कैसे हाथ दुख जाता है और शेक करने लगता है, तो इससे क्या होगा, इससे एक स्टेबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे यही एक बहुत ही अच्छा मुझे एडवांटेज लगा, ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज लगा कि ये होगा होता है, ठीक है। और इसका एक बात बताना चाहता हूँ, ये ऐसे निकलता भी है यहाँ से, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से वो निकलता भी है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हार्डली खींचना पड़ेगा, उसके बाद ये निकलता है। इसको पहले सबसे पहले रिमूव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए
बहुत ही हार्डली निकालना पड़ता है। यहाँ पे स्क्रू भी है, थोड़ा फिट करना हो तो फिट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, या तो हमारे DSLR है या GoPro है तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मतलब आज का जो टॉपिक है यही था।